नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। ताज नगरी आगरा में एसडीएम हो या जिलाधिकारी, इन सब पर एक अमीन की दबंगई भारी पड़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि मनरेगा के तहत हो रहे रोड का निर्माण प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है। ये हालात तब है जबकि एसडीएम खुद ही निर्माण कार्य कराए जाने के आदेश दे चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूं तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को लेकर समय समय पर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, मगर जमीनी हकीकत इससे उलट है। ताज नगरी आगरा की बात करें तो मामला आगरा के किरावली के गांव अभैदोपुरा का है, जहां के दर्जनों किसान और सैकड़ों लोग चक्रोड संख्या 547 के निर्माण की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे। अधिकारियों के आदेश पर चक्रोड का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया, मगर इसी बीच एक सीजनल अमीन की दबंगई अधिकारियों पर भारी पड़ गई। विलन बनकर सामने आए अमीन की दबंगई के चलते चक्रोड का निर्माण कार्य बंद हो गया। अब किसान हैं कि अधिकारियों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि वर्ष 2014 में आरोपी अमीन की सेवा समाप्ति गबन के आरोप में की जा चुकी है। इसके बाद तत्कालीन अधिकारियों की कृपा दृष्टि के चलते वर्ष 2016 में दबंग अमीन को फिर से सीजनल अमीन के तौर पर रख लिया गया। इधर करीब 1 किलोमीटर बन रहे चक्रोड के निर्माण से तमाम किसानों की सालों पुरानी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। वहीं वे अपने खेतों तक कृषि यंत्र आसानी से ले जा सकेंगे। किसानों ने अधिकारियों से दबंग अमीन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।